জম্মু কাশ্মীর না শুনলে সমস্ত মনে প্রথমে এর সুন্দরতা এবং স্বর্গময় দৃশ্য আখি সামনাকু আসি থাকে। এখানকার যুববর্গ এবে খেলকুদ ঠার আরম্ভ করে সবু ক্ষেত্রে নিজের পারদর্শিতা দেখাও বিভিন্ন প্রকার আবিষ্কার মধ্য এখানকার যুবক করিবার লাগিছেন। এ হচ্ছে অনন্তনাগর বাসিন্দা নই কায়ুম। ইয়ে অনেক এমিতি কিছু যন্ত্র আবিষ্কার করেছেন যা সাহায্যে কাম করা অতি সহজ হব। যেমিতিকি এই মেসিন কু দেখন্তু, এয়া সাহায্যে ঘরের অনেক কাম মহিলাঙ্কু করিবাকু সহজ হব। পুনি এ মেসিনটিকু টিকে দেখন্তু, এ মেসিন সাহায্যে চাউল সফা করিবা অত্যন্ত সহজ হব। নৈক ছোটবেলু হি বিজ্ঞান প্রতি রুচি রাখুতিলে, নুয়া নুয়া এক্সপেরিমেন্ট করিবাকু সবুবেলে ভালো পাঁতি নৈম। एजुकेशन के साथ साथ ही मतलब इनोवेशन का टच बोलूँ तो जब सिक्स्थ से ही साइंस बुक्स हम पढ़ते थे उसमें एक्सपेरिमेंट वाला पार्ट होता था जो यूजुअली स्कूल्स में हम स्किप करते हैं, लेकिन मेरे माइंड में हमेशा होता था अगर कोई एक्सपेरिमेंट दिया गया है तो हम इसको करें। तो घर पे मैंने ट्राई करना स्टार्ट किया, चीज़ों को मैंने अच्छे से सोचना स्टार्ट किया, बेसिक प्रॉब्लम्स कहाँ पे आ रही है। तो वो मुझे लगा कि एक सेक्टर ऐसा है जहाँ पे इनोवेशंस की काफ़ी कमी है, एंड वही सेक्टर ऐसा है कि जो हमारे पूरे जो कंट्री है उसका बैकबोन बना है वो है एग्रीकल्चर सेक्टर। सेम प्रोसीजर यूज़ करता है जो हमारे बाप दादाओं ने यूज़ करा है, तो उसी को थोड़ा स्लाइटली चेंज कैसे कर सकते हैं, उस उन्हीं चीज़ों को हम ऑटोमाइज कर सकते हैं, टाइम बचा सकते हैं उससे, एंड प्रोडक्टिविटी पे भी ऐसा बहुत ज़्यादा उससे मतलब चेंज आ सकता है। तो मैंने पकड़ा एग्रीकल्चर सेक्टर। निजर बुद्धि एवं ज्ञान को पाथेय करी नईक एमिति अनेक छोट बड़ आविष्कार मान करिछंती जहाँ पर नईक को आजिकल समस्ते ইনভেন্টর নৈক বলে ডাকুছন্তি। নৈক নিজের এক টেক কোম্পানি মধ্যে করিছন্তি যেউথিরে অনেক যুবক মধ্য জড়ি হইছন্তি। ব্যুরো রিপোর্ট, অর্গস নিউজ।